आज हम देखेंगे कि अगर रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल सीरीज हमारी। सो एनसीईआरटी में पेज 11 पे एग्जाम्पल 8 शो दैट 1.272727.1.27 इज इक्वल 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद दो नंबर्स पे बार है, मींस डेसिमल के बाद दो नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे हैं घड़ी घड़ी। सो उनको आपको कन्वर्ट करना है p अपॉन q फॉर्म में। जब भी ऐसा करना हो, सबसे पहले जिसे आपको p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसी को ही x सपोज करके स्टार्ट करें। सो लेट x इज इक्वल टू 1.272727.... इसे दे दें इक्वेशन 1। अब देखें आप डेसिमल के बाद दो नंबर पे बार हैं, सो क्योंकि दो नंबर पे बार है सो आप करेंगे दोनों साइड्स 100 से मल्टीप्लाई। एंड अगर सपोज करें कि डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल नंबर पे बार है सो आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट डिपेंड्स कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, सो वी विल मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 100। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.272727 .. ठीक है। सो हम इसको भाई 100 से मल्टीप्लाई करा, सो जब आप 100 को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं सो देखिए दो जीरोस हैं, सो डेसिमल खुद को दो डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा। सो जब ये हमने डेसिमल चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में, सो अगर भाई दो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है कोई इक्वेशन, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है सो डेसिमल खुद को राइट साइड दो डेसिमल शिफ्ट करेगा। सो देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 1.272727 .... ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं 2727। ओके इसको दे दें इक्वेशन 2। सो नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे। सो 100x माइनस x is equal to 127.272727 minus 1.2727.... So 100x में से minus x गया, means minus 1x गया, obviously x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। So 100x में से minus 1x गया, so we have 99x। और यहाँ पे आप, मैं करके दिखाती हूँ आपको। सो 127.2727 माइनस 1.2727 सो 0000.6126.... सो 126 आया डेसिमल के बाद, सारे 000 आए हैं, सो द आंसर इज ओनली 126 डेसिमल के बाद जीरो का नो सेंस। सो 126, so therefore x is equal to 126/99। अगर इसका और रिडक्शन हो सकता है तो करना है, वरना दिस इज योर फाइनल आंसर। बट आप देख सकते हैं हम इसे और रिड्यूस कर सकते हैं, कट शॉर्ट हो सकता है। 9 की टेबल लगेगी, 9 11 जा यहाँ पे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो x इज इक्वल टू 14/11। सो आप देख सकते हैं आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कर दिया p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट। थैंक यू।